हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। और आज मैं अपनी वाइफ के साथ में, मतलब गीता के साथ में जा रहा हूँ गोवा ट्रिप पे। और रिसेंटली भी मेरी शादी हुई थी 4 दिन पहले, तो अभी मैं फ़िलहाल है ना एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। ये देखिए, तो यहीं से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे आने वाले वीडियोज़ जो होंगे सारे गोवा के होंगे। उसके बाद जो भी नेक्स्ट ट्रिप होंगे वहाँ के भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये पहला ब्लॉग है। और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ बताता हूँ, अभी मैं यहाँ पर हम पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो सबसे पहले देखिए ये इसने लिए कॉफ़ी और मैंने लिए गार्लिक ब्रेड। तो भाई ये 500 रुपये की है, काफ़ी कॉस्टली लगी मुझे तो यार 500 रुपये में। तो भाई 5 जने पेट भर के खा ले बाहर की तरफ में, और यहाँ पे सिर्फ एक ये मिली है, एक ये कॉफ़ी मिली है जरा सी। 500 रुपये की काफ़ी कॉस्टली लगी मुझे। तो तुझे सही लगी क्या? कॉस्टली लगी, कॉस्टली है ना। तो भाई थोड़ा सा तो कम करना चाहिए। बाकी अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम है 11:10 और अभी हो रहे हैं, अभी 9:15 हो चुके हैं। अभी मैंने है ना गार्लिक ब्रेड खाने के बाद में ये बोतल ली है। और भाई ये 100 रुपये की बोतल है, बाहर मिलती है 20 रुपये की, 1 लीटर की हो रही है, 100 रुपये की मिल रही है, 5 गुना महंगी। तो भाई कभी भी अपना एयरपोर्ट आओ, खाने पीने का सामान जो है अपने खा के आया करो पहले ही, सामान यहाँ हमारी खरीदना। और ये पानी की बोतल भी पहले लेके आया करो, हमारी तरह लुट जाओगे। 600 रुपये का हमने यहाँ पर खर्च कर दिए और गोवा जाने में पता नहीं कितने खर्च होंगे। हाँ तो मैडम, कैसा लग रहा है गोवा ट्रिप जाने से पहले? आर यू एक्साइटेड? हैं, बस कॉफ़ी पीने में मस्त हो रही है। बता तो सही कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज़ नहीं आ रही पब्लिक को, दोबारा बता। अच्छा लग रहा है, है? एक मिनट। बताया नहीं तूने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तेरी फर्स्ट फ्लाइट है ना ये? हाँ, पहली बार है ना। हाँ। तो भाई मेरी तो पहले मैं कर चुका हूँ, लगभग 2-3 बार बैठ चुका हूँ, ये इसकी पहली है। तो विंडो सीट दिलाऊंगा तेरे को आज। मैं लगभग 2.5 घंटे की जर्नी होगी हमारी, दिल्ली से टर्मिनल 1 से जा रहे हैं हम लोग, और गोवा जाएंगे डेबुलिन, जो साउथ गोवा में पड़ता है। भाई फिलहाल सीन ऐसा है कि हमारी फ़्लाइट थी 11:10 की, और अब डिले हो गई है और 12:30 की हो गई है। अभी काफ़ी घंटों से, 2 घंटों से हम वेट कर रहे थे, और अब लगभग 1 घंटा 20 मिनट और वेट करना पड़ेगा भाई। तो ये पूरा अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि मॉल में अभी फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं। देखिए वहाँ पर मेरी वाइफ है गीता, और ये नीचे से हम लोग ऐसे घूमने के लिए हम ऊपर आ गए यहाँ पर। देखिए तो कम से कम 1 घंटा 20 मिनट हमारी फ़्लाइट लेट हो गई है, तो 12:30 की अभी वेट करते हैं, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। ले भैया, अभी हम लोग लाइन में लग चुके हैं बस में बैठने के लिए, तो चलते हैं अभी बस में बैठते हैं भाई। अभी बैठने जा रहे हैं बस के अंदर, अपना करवा लिया चेक। दोस्तों बैठ चुके हैं हम लोग अभी बस के अंदर, और सारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, और अब जा रहे हैं फ्लाइट के लिए। तो ये मेरी बाइक बैठी है, और बाहर का सीन दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखो, ये बस का सीन, ये कुछ ऐसा कुछ सीन है बाहर। और इंडिगो फ्लाइट आज हमारी। तो भाई कैसा लग रहा है अभी तक? बढ़िया लग रहा है, सब सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि 1.5 घंटे डिले हो गई हमारी फ्लाइट, बट कोई नहीं, चलता है। तो हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ में। देखो यहाँ पर पहले फ्लाइट वगैरह खड़ी हुई है इंडिगो की, और बस हमारी चल रही है जी। तो फाइनली भाई हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ में, ये बोर्डिंग पास वगैरह सब चेक करवा लिया हमने यहाँ से नीचे से, और ये हमारी इंडिगो फ्लाइट है। काफ़ी बड़ी फ्लाइट है भाई इन पर हम लोग, और एक सामने ये खड़ी हुई है यहाँ पर, काफ़ी शानदार है। इसका जो कलर है ना, कलर कम्बिनेशन मस्त लगता है मेरे को इसका। तो जा रहे हैं ऊपर की तरफ में, और ये पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा है, देखिए आप लोग कितना शानदार है, कितना मस्त है। देखिए सामने गेट है, और ये पूरी फ्लाइट है। देखिए देखिए ये फ्लाइट का गेट है, चलते अंदर की तरफ में। चलिए ये देखो भाई है ना जबरदस्त। नमस्कार,
मेरी बहन के साथ में पहली फ्लाइट है, अभी गोवा ट्रिप देखते हैं कैसे होने वाली है। अभी तो बहुत चल रहा है, काफ़ी बड़ी है फ्लाइट और हमारी जो सीट है वो आगे की तरफ में है। फिलहाल दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं, अभी फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं और मैडम से पूछते हैं कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है अभी? तो ये इसकी फर्स्ट टाइम फ्लाइट है और मेरी थर्ड टाइम है। उतर के बाद पता है डरने वाले तो आज जब ये उड़ेगी ना। भाई अभी हमारा खाना आ गया है और देखो एक तो ये पैकेट में है उपमा, ये देखो इतनी सी क्वांटिटी है, छोटा सा है, और हमने ये लिया है जूस। ऑप्शन में था कोल्ड ड्रिंक और जूस, तो हमने जूस ले लिया। एक ये रहा, एक बोरा, और एक ये हमने सैंडविच खा लिया, बाद में शूट कर रहा हूँ। सैंडविच यहाँ तक भरा हुआ था भाई, और ये गीता ने पूरा सैंडविच खाया देखो, और मैं उपमा खा रहा हूँ। थोड़ा सा मेरी पेट ख़राब है इसलिए। फाइनली पहुंच गए हम लोग गोवा। ये देखिए हाँ, कैसी लगी फ्लाइट जर्नी? ये देखिए इस वाले से आए थे हम लोग, हम पीछे खड़े थे, तो ये अलग है। अब ये बेंगलोर जाएगी आगे की तरफ में। बाहर निकल चुके हम लोग अभी गोवा एयरपोर्ट पर। अपनी जर्नी तो सही रही हमारी, है ना? कैसी रही? ये तो धीरे बोलते हैं, बहुत अच्छी रही, लेकिन थोड़ा सा बस ये होगा कि 2 घंटे लेट रही, तो हमें 1:30 बजे लगभग पहुँचना था और अब पहुँचे 3:30 बजे लगभग। कोई नहीं, अभी पहुँच गए फाइनली गोवा के एयरपोर्ट पर। हम लोग अभी ना बैग लेने के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ पर बैग नहीं आया अभी तक हमारा। कम से कम 10 मिनट हो गए हैं और बैग का कोई नामो निशान नहीं है भाई। ये देखो 10 मिनट से खड़े हम लोग यहाँ पर, बैग हमारा मिला नहीं। वेट करते हैं, वैसे भी 2 घंटे लेट हो चुके ऑलरेडी, फिलहाल आज दोबारा से आने लगता है, लेते हैं बैग उसके बाद में उसकी तरफ निकले। दोस्तों फाइनली हम लोग गोवा एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं और ये बाहर का सीन है देखिए। ये डेबलून एयरपोर्ट है, साउथ गोवा के अंदर पड़ता है और यहाँ पर खूब सारी टैक्सियाँ मिलती है। और देखिए आप लोग जितनी भी गाड़ी आपको नजर आ रही है सब टैक्सी है, और आपको स्कूटी हायर करनी हो तो स्कूटी यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर कर मिलेगी। तो अभी हम लोग पहुँचे लगभग 2 घंटा लेट, और कम से कम हमें यहाँ पर 20 से 25 मिनट लगे अपना लगेज लेने में, तो काफ़ी टाइम लग गया यार। मतलब 4 बजे गए हैं और हमें पहुँचना है 1:30 बजे लगभग। मेरा प्लान था कि आज शाम को पूरा मैं लगभग एक बीच तो आराम से घूम लूँ, लेकिन अभी यहाँ से मेरा होटल जाने का लगेगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे के बाद देखेंगे, थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर घूमेंगे। तो अभी चलते हैं होटल की तरफ में, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। चलिए